बेचबा एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे पत्थल गांव की, जहां यूरिया खाद की कालाबाजारी की शिकायत को लेकर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। किसान हाइब्रिड धान बीज में ठगे जाने के बाद अब यूरिया खाद की किल्लत से जूझ रहा है। बीज की दुकानों पर यूरिया 400 से 500 रुपए में बेचा जा रहा है। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारियों ने काला बाजारियों के खिलाफ छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने यूरिया को मनमाने रेट से बेचने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। कलेक्टर साहब और डीएम साहब का भी आदेश है कि प्रतिदिन निरीक्षण किया जाए और यदि किसी के यहाँ 266 से अधिक में बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाएगा, साथ ही एफआईआर भी कराएंगे। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, यूरिया की और खाद की कालाबाजारी को लेकर सख्त कानून भी बनाया गया है और साफ तौर पर प्रशासन का कहना है कि कड़ी कार्रवाई होगी, बावजूद इसके कालाबाजारी नहीं रुक रही है, आखिर क्यों? अवंती, आखिर में जो रेट गवर्नमेंट से निर्धारित है 266 रुपए, वो रेट में सोसाइटियों में किसानों को खाद यूरिया खाद मिल रहा है, लेकिन वो पंजीकृत किसान ही ले पाते हैं और उनको मतलब एक आसान किस्त क्या मैं कहना चाहिए, जब भी वो धान बेचते हैं तो उस पैसा को चुकता करते हैं और उन्हें वहाँ लोन पे मिलता है, मतलब नकदी मिलने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि इस पे सभी किसान पंजीकृत नहीं है और ना ही किसान सब पंजीयन करा पाते हैं, क्योंकि जो विभाग है TSS जो किसानों के लिए बनाया गया है, उस विभाग से बार बार कैंप लगाया जाता है गांव में और ये कहा जाता है कि किसान पंजीयन कराएं और हमारे यहाँ से खाद बीज लें और धान बिक्री के समय उनके सहमति से वो जो कर्ज होता है उसको वहाँ जमा कराया जाता है, लेकिन सब किसान नहीं ले पाते हैं वहाँ से कर्ज और TSS के संपर्क में भी नहीं आ पाते। ऐसे कुछ किसान जो दुकानों में चले जाते हैं खाद या बीज लेने के लिए, उनको औने पौने दामों में मिलता है। हाइब्रिड में भी किसान ठगे गए हैं, कई बार किसानों ने हाइब्रिड धान बीज लेकर बोया है। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ में DDA जुड़ गए हैं मिनेश्वर राम भगत से। मिनेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी बताएं। जी मिनेश्वर जी, तमाम तरह के कानून की भी बात कही गई और कहा गया कि अगर कोई खाद और यूरिया की कालाबाजारी करता है तो कड़ी कार्रवाई होगी, पर जो कालाबाजारी है वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैडम जी, कहीं कोई कालाबाजारी नहीं है। जसपुर बहुत छोटा अंचल है और यहाँ विशेषकर अगर विकासखंड पत्थलगांव की बात करें, वहाँ को अगर छोड़ दिया जाए तो जसपुर जिले में ऐसी कोई कालाबाजारी नहीं है। पत्थलगांव विकासखंड में जो मेरे को जानकारी मिली है वो आपस में व्यापारियों का आपस की खिंचतानी के कारण जो है ये सब बात होती है। मेरा टीम पूरा लगा हुआ है, प्रत्येक दुकान में मेरे ग्रामीण कृषि विस्तार अमलक मैंने बिठा दिया है, मेरा इंस्पेक्टर बैठा हुआ है। जी मिनेश्वर जी, आप कह रहे हैं कि कालाबाजारी नहीं है, यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका पंजीयन नहीं हुआ है जिसके चलते उनको जो निर्धारित राशि है उसमें यूरिया नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे, आखिर क्यों पंजीयन नहीं हो रहा है सबका? मैडम जी, पंजीयन की बात अलग हो रही है, निजी दुकान पे कोई भी मिनेश्वर जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मैम, जी मैम जी, अपनी बात को पूरी कीजिए। मेरी मैडम, मैं आपसे ये है कि जहाँ तक कालाबाजारी की बात है, पत्थलगांव विकासखंड में कहीं भी कालाबाजारी की शिकायत नहीं है। जो कालाबाजारी की बात आ रही है वो आपस में व्यापारियों का खींचातान के कारण, एक दूसरे के लांछन के कारण ये सब बात हो रही है वहाँ पर पत्थलगांव में। मैंने आज मिनेश्वर जी, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ में सुरेश टिग्गा जुड़ गए हैं जो कि TS के अध्यक्ष है। सुरेश टिग्गा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद मैडम। जी पत्थल गांव से जो मामला सामने आया, यहाँ यूरिया और खाद की कालाबाजारी हो रही है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए मैडम, जैसे यहाँ पे हम खाद का वितरण करते हैं जी, जो किसान पंजीकृत है उन्हीं को मतलब खाद देते हैं हम जी। जैसे कई किसान छूट जाते हैं पंजीयन से, वो जैसे उनको जरूरत होता है तो बाहर से लेते हैं जी। बिल्कुल सुरेश जी, ये बात सामने आ चुकी है कि जो पंजीकृत है उनको निर्धारित राशि पर ही मिलता है, पर आखिर क्यों सभी किसानों का पंजीयन नहीं हो पाता है इसको लेकर? जी मैडम, जैसे हम हर वर्ष हम कैंप लगवाते हैं जी, मार्च अप्रैल में कैंप लगता है किसानों को, मतलब
पंचायत में जा जाके कैंप लगाते हैं हमारे सहकारी समिति से जी। तो कई किसान इसमें वंचित रह जाते हैं, मजबूरी बस उनको फिर बाहर से लेना पड़ता है। और शासन से कोई प्रावधान तो है नहीं कि मतलब जो पंजीयन नहीं हुआ है उस किसान को हम यहाँ से नगद में मतलब खाद वितरण कर सके। अगर शासन ऐसा कुछ प्रावधान करे तो हम यहीं से नगद दें किसानों को। जी जी, तो सर कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि जागरूकता की कमी है, अभी भी जो किसान है वो अवेयर नहीं हुआ है, जो सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है वो अभी भी पूरे किसानों को पता नहीं है। जी मैडम, मैडम मैं कहना चाहूंगा, मेरी बात सुनना चाहेंगे? जी जी बोलिए, आप बोलिए। सहकारी समिति में जिसका रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीयन की बात कर रहे हैं, जो किसान उसका मेंबर होता है उनको सहकारी समिति से खाद और बीज जो है नगद और वस्तु के रूप में मिलता है। लेकिन जो किसान सहकारी समिति के मेंबर नहीं है वो कहीं भी निजी दुकान से सरकारी दर पे ले सकते हैं। ये सहकारी समिति की बात कर रहे हैं, सहकारी समिति में कहीं वैसा उल्लेख नहीं है ना सहकारी समिति। मिनिस्टर जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर क्यों पंजीयन नहीं हो रहा है, जब इतनी सारी नीतियां बनाई जा रही हैं तो क्यों फिर किसान वंचित है? मैडम जी, मैं निवेदन करूंगा कि किसान स्वेच्छा है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए किसान स्वेच्छा फसल बीमा के लिए स्वेच्छा है, वैसे बीमा का सहकारी समिति में उनका मेंबर बनना उसका स्वैच्छिक है। हम जबरदस्ती उसको मेंबर नहीं बना सकते। तो आपके द्वारा ये अभी तक पहल की गई है कि जितने भी किसान हैं वो जो सरकार के द्वारा चलाई जाती नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनका पता चले, उन तक जानकारी पहुंचे, क्या आपकी तरफ से ये पहल की गई? और अगर ये इससे किसानों का लाभ हो रहा है तो फिर क्यों नहीं आप उनको मेंबर बनाना चाहते? मैं निरंतर मैडम इस विषय में प्रयासरत हूँ, मेरा पूरा टीम और विभाग जो है इस विषय में प्रयासरत है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मैं कहीं हो सकता है इसमें मेरी विभाग में कमी हो, लेकिन मेरी प्रयासरत भूतपुर में रहेगी कि प्रत्येक किसान सहकारी मेंबर से जुड़े। महेश्वर जी, मेरे साथ में हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, मनोज। मनोज, मैं जानना चाहूंगी कि लगभग कितने किसान होंगे जो कि वंचित है अभी भी? देखिए, ग्रामीण अंचल के अंतर मेरे पास मैडम इस तरह का जो बात आ रही है, लगभग जो है 70% मेरे यहाँ किसान जो है 1,32,000 में 70 से 80% किसान के मेंबर हैं। मिनेश्वर जी, हमारे संवाददाता ने जाके वहाँ का जायजा लिया है, मुझे उनसे जानने दीजिए कि आखिर कितने प्रतिशत ऐसे किसान होंगे जिनका अभी भी पंजीयन नहीं हुआ है। मनोज जी, ग्रामीण अंचल में काफी किसान अभी आज भी हैं जिनका पंजीयन नहीं हो पाया है। वो किसान दुकानों में जाके यूरिया खाद खरीदते हैं और उन्हें मनमानी रेट में दिया जाता है। विभाग के लोगों को चाहिए कि ये उन दुकानों में और ऐसे किसानों से संपर्क करें, एक अपना टीम बनाएं और उस पर जाँच कराएं कि आखिर में यूरिया 450 से 500 रुपए में क्यों। हमारे पास किसानों का पाइप है, हमने मिनिस्टर जी, तो आपने सुना कि लगभग 2x दाम पर दिया जा रहा है खाद और यूरिया, और अभी भी मैडम मेरे पास कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मैंने सारे निजी दुकान को चेक करा लिया है, हमने खुद व्यापारी से भी बात किया है, मेरी टीम पूरी लगी हुई है। मैं बात को यही कहूंगा कि कोई कालाबाजारी हमारे जिले में नहीं हुई है। मिनेश्वर जी, आपके आंखें बंद करने से पूरा जो मामला है वो रफा दफा नहीं हो जाएगा? अगर आप आंखें बंद लेते हैं तो ये नहीं होगा कि कालाबाजारी रुक जाएगी? हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ में संवाददाता मनोज भी जुड़े हुए थे। मनोज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।